पुलिस अधीक्षक नगर एवं पुलिस उपाधीक्षक ऑपरेशन नोडल अधिकारी AHTU जनपद उधम सिंह नगर के दिशा निर्देशन में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट टीम द्वारा लगातार अनैतिक व्यापार एवं बाल विवाह, बाल श्रम आदि के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट प्रभारी निरीक्षक बसंती आर्य को सूचना मिली कि थाना किंचा क्षेत्र में रोडवेज चौक से आगे स्थित स्पा सेंटर द रिलैक्स स्पा में काफी समय से अनैतिक कार्य हो रहा है, जहां पर आए दिन युवकों की भीड़ लगी रहती है, जिस कारण आम लोगों का एवं मोहल्ले में रहने वाले लोगों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। सूचना पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए द रिलैक्स स्पा सेंटर में छापेमारी की कार्यवाही की गई, तो मौके पर संचालक सहित 6 युवक और 4 युवतियों को अनैतिक कार्य करते हुए पकड़ा गया। पूछताछ पर पकड़े गए संचालक द्वारा बताया गया कि स्पा सेंटर का मालिक जतिन है, जो फरीदाबाद का रहने वाला है, जिसका संचालन मैं करता हूं, और जतिन फरीदाबाद गुड़गांव से अपने साथ 2 युवतियों को यहां पर लेकर आए और इसी स्पा सेंटर में दिन रात काम के लिए रखा है, तथा 2 युवतियों को यहीं रुद्रपुर शहर से बुलाकर 4 युवतियों को रखा गया है। और जितने भी ऐसे सर्विसेज देने वाले हैं उनके विरुद्ध अभियान चलता रहता है कि वहाँ पर किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधि ना हो। तो इसी क्रम में रेंज स्तर से भी टीम एक आई हुई थी, उसी की टीम के साथ ज्वाइंट कार्रवाई के दौरान किच्छा क्षेत्र में एक स्पा सेंटर पे अनैतिक देह व्यापार के एक गिरोह का खुलासा हुआ है। इसमें टोटल 6 अरेस्टिंग हुई है और एक इसमें आदमी वॉन्टेड है और एक विधि विरुद्ध बालक भी इसमें शामिल था। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।